अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज हम आपको लेकर आए हैं प्ले डेट किड्स कैफ़े। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग जगह है बच्चों के लिए, जहाँ पर आप भरपूर तरीके से अपने बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं, खाना पीना साथ साथ, और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक आपको शॉर्ट टूर करवाते हैं और दिखाते हैं कि किड्स प्ले कैफ़े कैसा बना हुआ है। एड्रेस बहुत ही आसान है, आपने आना है 29C Lane 5, निशात कमर्शियल, DHA Phase 6, कराची। यह है इसका प्रॉपर एड्रेस। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं प्ले डेट्स किड्स कैफे में। किड्स प्ले कैफ़े के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था गुलवश? अस्सलाम वालेकुम। प्ले डेट कैफ़े के पीछे कॉन्सेप्ट, वेल, हमारे पास आप देखें तो कराची में एक इंडोर सेफ़ एंड सिक्योर एक हैपनिंग प्लेसेस जो बच्चों के लिए बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं शायद सोचूं तो एक दो फिर मेरे नाम जो है वो मेरे जहन में आएंगे। तो जब मैं अपने बच्चों को लेकर जाती थी इस तरह के ऐसी किसी एरियाज़ में, सो मुझे ये फील होता था कि एक तो सेम जगह जाके एक बोरियत सी होने लगती है, सेकेंडली एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी जो कि एक बच्चों के लिए, आपको पता है उनका टाइम स्पैन एक बहुत कम होता है, वो किसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो बहुत जल्द उससे जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है उनको, दे गो टू अनदर एक्टिविटी। सो इस तरह की कोई जगह मुझे जो है वो नहीं मिल रही थी। फिर मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वाई नॉट टू ओपन अ प्लेस जो कि इंडोर हो, सिक्योर हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, टॉयज़ हो, जहाँ पे कलरफुल सा एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं, जो बड़े उनके साथ आते हैं, वो भी उसको उतना ही इंजॉय कर सकें जितना कि वो बच्चे करते हैं। सो वी केम अप विद एन आइडिया ऑफ प्ले डेट कैफ़े। ये एक ऐसा कैफ़े है जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, कहीं आपने जाना है, आप किसी मीटिंग पे जा रही हैं, या फिर अगर आपने कहीं सैलून जाना है, या इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम कपल टाइम टुगेदर, किसी डिनर पे जा रहे हैं या लंच पे टुगेदर। सो बच्चों को आप यूजली साथ लेके नहीं जा सकते इन जगहों पर, तो आप हमारे पास उनको छोड़ के जा सकते हैं। 3 साल से जो कम बच्चे हैं वो आप नैनी के साथ हमारे पास छोड़ दें, अबव 3 से लेके 10 साल तक के बच्चे आप वैसे ही छोड़ दें। हमारे पास अटेंडेंट्स हैं, सेफ़ एंड सिक्योर पूरा इन्वायरमेंट है, कैमरा, सीसीटीवी कैमराज हर तरफ मौजूद हैं जिनका एक्सेस जो है वो पेरेंट्स को दिया जाता है। हमारे पास टीवी कैमरा, टीवी पे बेसिकली सारा डिस्प्ले इसका आता है, तो वो देख सकते हैं अपने बच्चों को खेलते हुए। तो ऐसी कोई जगह जहाँ मैं अपने बच्चों को छोड़ सकूँ, सो आई वॉन्टेड सच प्लेस फॉर द अदर्स एज़ वेल। सो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम प्ले डेट जो है वो कैफ़े ओपन करते हैं। अब नाम कैसे प्ले डेट रखा गया? सो आजकल एक ये टर्म बहुत यूज़ होती है प्ले डेट, जिसमें इट्स अ बेसिकली टर्म जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो जमा होते हैं, वो आपस में खेलते हैं और फिर उसके बाद वो मील्स इंजॉय करते हैं। सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड प्ले डेट। तो उसी को मैंने पिक करते हुए ये नाम रखा। जब ये नाम रखा तो जब जैसे ही पेरेंट्स है कोई भी इसको देखता है, सो दे यू नो एकदम से उनके जहन पे क्लिक होता है कि ओके दिस इज़ समथिंग अ प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू किड्स। सो इस तरह से हमने जो है वो प्ले डेट जो है वो हमने फॉर्म किया, एंड लास्ट नवंबर 2021 में इसका जो है वो हमने लॉन्च किया था। इट्स बिन 6 मंथ्स एंड माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे हमारे पास यहाँ पर आते हैं, घंटों खेल रहे होते हैं। हम बर्थडे पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्ले डेट्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बिसाइड्स दैट बच्चे बस आते हैं, वो नीचे हमारा जो प्ले एरिया है बेसिकली 2 सेक्शंस में हमने डिवाइड
प्रोवाइड किया है। बेसमेंट का एरिया हमने टोटल जो है वो सॉफ्ट एरिया बनाया है, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, स्लाइड्स, ट्रैम्पोलिन, मिनी मार्ट है, डॉल हाउस, सुपर हीरोज़ की थीम है, बस लोडेड विद अ लॉट ऑफ टॉयज़। हमारे पास ट्रेन ट्रैक्स भी हैं, बिजी बोर्ड्स हैं, लेगो है, बहुत बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बड़े बच्चे हैं 10 ईयर से अबव या एडल्ट्स, उनके लिए हमने बोर्ड गेम्स रखी हैं, जिसमें कि चेस, लूडो, कैरम बोर्ड और जेंगा स्पेशली। ये वो सारी गेम्स हैं जो हम घर में भी खेलते हैं, बहुत पसंद की जाती हैं। सो हमने सोचा कि इस तरह की गेम्स हम बड़ों के लिए भी रखें, सो दैट जब वो खाना ऑर्डर करें तो जो एक टाइम होता है ऑर्डर से सर्विंग तक का, तो वो मोबाइल फ़ोन्स को बेसिकली ना यूज़ करें। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करें आपस में। जब हमारे कैफ़े में हों तो वो टोटली एक फैमिली का जो है वो एक माहौल होना चाहिए। सो जब होता ये कि जब लोग ऑर्डर करते हैं तो सर्विंग टाइम के बीच में वो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और वो बेस्ट टाइम होता है फैमिली को कनेक्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। देन जो हमारे पास मील्स और बेवरेजेस की एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें चाइनीज़, इटालियन, पाकिस्तानी, फास्ट फूड सब कुछ हमने जो है वो हर एक क्लास को हमने जो है केटर किया है, सो दैट हमारे पास जो भी आए उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि हमारी जो है वो पसंद की चीज़ नहीं है। हमने हर एक चीज़ इसमें जो है वो रखी है। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे उस प्ले एरिया में, जहाँ पे आज हमने एक जो है वो बेसिकली हमारा एक प्रोग्राम है, वो हमने आज बच्चों को जो है वो इनवाइट किया है। लेट मी जस्ट टेक यू। एज यू कैन सी, हमारे पास आज इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी के बच्चे मौजूद हैं, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने जो है हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। ये बेसिकली हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के नाम पर, जिसमें हम ईच एंड एवरी मंथ ऐसे बच्चों को हम अपने कैफ़े पे इनवाइट करेंगे एज अ गेस्ट, जो कि जिनकी एक्सेस नहीं है ऑन डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है ये एरिया। तो हमने स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी से, एंड हमारे पास एक लंबी लिस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि ईदी के बच्चे हो गए हमारे पास कुछ सारे बढ़ने के, या और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो इस पर जिनके पास को इस कॉज पे काम कर रहे हैं वो हमें अप्रोच करें, हम उनके बच्चों को भी इसी तरह से इन्वाइट करेंगे, सो दैट वो एक बहुत अच्छा टाइम जो स्पेंड कर सकें। ये हमारा बेसिकली प्ले एरिया है, हमने बच्चों के लिए बनाया है। जिकेसी बहुत कलरफुल है, चाइल्ड फ्रेंडली है, यहाँ पर बच्चे के हेलो, यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और ट्रस्ट मी, आप अगर जितने भी बड़े हैं किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, यहाँ आके आप भी बच्चे ही बन जाएंगे। आप आए नीचे, पूरा हमारा एरिया फुली कम्प्लीटली इम्पोर्टेड, हमने यहाँ पे सारा जो है वो मैट्स यहाँ पे हमने बिछाए हुए, ताकि बच्चों को किसी तरह की चोट ना लगे, क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हमने सेफ्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। देन वी हैव अ डॉल हाउस, जिसमें ना सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़के भी बहुत शौक से खेलते हैं। हेयर इज़ द मिनी मार्ट, मिनी मार्ट से बच्चे जो है जो अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, उसकी एक जो उनकी जो एक शौक होता है वो पूरा करते रहते हैं, वो कर सकते हैं। ये ट्रैम्पोलिन है जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, यू नो जंपिंग तो बच्चों का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो घर में भी कभी बेड पे कभी सोफ़ास पे, सो वी हैव कैप्ट इट हियर कि आके यहाँ जितनी जंप्स लगानियों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द बॉयज़ फेवरेट कॉर्नर, सुपर हीरोज़ की थीम हमने क्रिएट की है, जहाँ पे सारे सुपर हीरोज़ टॉयज़ हैं, उनके हीरोज़ के फ्रेम्स हमने रखे हैं, और लड़के बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस एरिया को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रीबा है, और हम आज अपने बच्चे आपके यहाँ प्ले डेट में लेके आए हैं। हम IBP से आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये एक स्कूल है जहाँ स्पेशल बच्चे हैं, एकेडमिक्स भी हैं और दूसरे टाइप, मतलब एकेडमिक्स भी हैं और थोड़े से फिज़िकली चैलेंज बच्चे भी हैं। आज हम अपनी छोटी क्लास यहाँ लेके आए हैं, और उन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छी जगह है ये, और बहुत सारा सामान है जो सिर्फ खेलने का नहीं बल्कि एजुकेशनल भी है।
क्योंकि हमारा यहाँ से इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत बेहतरी ला सकती हैं। और दूसरा यहाँ कि यहाँ बच्चे बहुत सेफ़ हैं, बहुत चाइल्ड फ्रेंडली ये पूरा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल डर नहीं लगा कि किसी बच्चे को चोट लगेगी या कोई हार्म आएगा। एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, नीचे पैडेड फ्लोरिंग है, बहुत अच्छे टॉयज़ हैं। बच्चे तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से हम कैसे वापस स्कूल लेके जाएंगे, बहुत मज़ा आ रहा है इन बच्चों को और बहुत अच्छी जगह है ये, मैं क्या बोलूँ। अभी थरली इन्जॉयड इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें इन्वाइट किया एंड होपफुली वी विल कम अगेन इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी के ये स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स आज एक भरपूर दिन मनाकर मज़ेदार सा लंच करके ये गुडी बैग्स लेके अब अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और इनकी जो टीचर्स इनके साथ थी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इंतहाई थैंकफुल हैं प्ले डेट्स किड्स कैफ़े के और ख़ास तौर पर गुलवश बरोही के कि उन्होंने आज का ये दिन उनके लिए ख़ास तौर पर अरेंज किया। इसके अलावा जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया कि समर वेकेशंस करीब हैं तो किड्स समर कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ भी इसका एक प्रॉपर प्लान मौजूद है वीकडेज में जो कि आप देख सकते हैं, नंबर भी मेंशन है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोरेट हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप अपने इवेंट्स भी प्लान करवा सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल इनके प्राइजेस हैं। यहाँ की लोकेशन और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। और अब ये ज़बरदस्त सा टूर करने के बाद जब बात आती है कैफ़े की, तो फिर जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर फूड भी हम दिखाएंगे कि ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कैसा इनका मेन्यू है और हमने यहाँ पर क्या ऑर्डर किया है। इनके यमिलीशियस मेन्यू में से जो फूड हमने लंच में ऑर्डर किया वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको बताते हैं सैंडविचेस के बारे में, सुपर क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। और उसके बाद बारी आती है चिकन चिली विद फ्राइड राइस। इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बैलेंस था और आप इसके वाइब्रेंट कलर्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है और फुल मार्क्स। इसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता, सुपर क्रीमी और परफेक्टली कुक। साथ ही साथ हमने मिंट लेमनेड और कैरमल फ्रैपे ये ऑर्डर किया था, दोनों का जो टेस्ट था वो अपनी अपनी जगह भरपूर था। साथ ही साथ एक बात जो बताती चलूँ, अल्फ्रेडो में मुझे ऑलिव्स की जो क्वांटिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और वो मज़ा दे रही थी। फिर बारी आती है चिकन स्टेक की, बहुत ही सुपर बैलेंस्ड और परफेक्टली कुक्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इनके मेन्यू में सारी चीज़ें जो है ना वो चिकन की हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे ख़ास तौर पर बीफ़ या मटन इतने शौक़ से नहीं खाते, तो जैसे कि ये कैफ़े है ही स्पेशली बच्चों के लिए तो उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम आइटम्स चिकन के हैं। तो ये था हमारा फूड रिव्यू, और प्राइस की बात की जाए तो मुझे ये ओवर प्राइस बिल्कुल नहीं लगा। वेल, लास्ट में मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा सारी ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप में कोई भी एक ऐसा स्पार्क है, उसको प्लीज़ ख़त्म ना होने दें, उसको मंद ना पड़ने दें, उसको इन्हेंस करें, उसके ऊपर काम करें, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल वुमन बनाएं। औरतें वीक बिल्कुल भी नहीं हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ करती हैं, आप अपने घर को भी देखती हैं, इसके अलावा बाहर के भी सारे काम करती हैं। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर से निकल के जॉब्स कर रही हैं, डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं। सो वीमेन आर रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, अपनी एजुकेशन को प्लीज़ बहुत अहमियत दें, एजुकेशन की बहुत अहमियत होती है। अगर आपके फाइनेंशियल हालात आपको इजाज़त नहीं देते मज़ीद पढ़ने के किसी स्कूल कॉलेज में, आप प्राइवेट पढ़ लें, प्राइवेट आप घर पे बैठ के पढ़ लें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है, स्किल्स, इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग, बेकिंग, सीविंग, आपके कुछ भी है, सो उसको आप करें, घर से स्टार्ट करें। जब आप घर से स्टार्ट करेंगी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप बाहर निकल के करेंगी तो आप देखें अपॉर्चुनिटीज़ खुद बहुत आपके पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, सिर्फ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए अल्लाह पे कि आप अगर अच्छी नीयत से काम करेंगे, जम के करेंगे, बिल्कुल अपनी मतलब आप एक फोकस होके करेंगे, तो आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ आप कर सकती हैं। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर हम आपको लेके जाते रहेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।